नमस्कार जी, आप सभी का एजुकेशन नॉलेज टी चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आप CBSE शिक्षा बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 10वीं क्लास 12वीं के, ज़बरदस्त धमाका लेके आप सभी के लिए परिणाम 2021। आज 6 जून हो चुकी है और आप सभी का इंतज़ार ख़त्म कर दिया है CBSE बोर्ड ने। देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन को, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शिक्षा से जुड़ी प्रत्येक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी खबर से पहले देखिएगा एजुकेशनल ऐप के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको कमाल की एप्लीकेशन बताने वाला हूं, जिसका नाम है फिलो ऐप। अगर आप कक्षा 6 से 12वीं के स्टूडेंट हैं या आप IIT JEE नीट के साथ साथ किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में किसी प्रकार का डाउट है, तो दोस्तों ये फिलो ऐप आपकी सभी डाउट ऑन कॉल ऑन डिमांड दूर करने वाला है। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए डाउनलोड कीजिए, सिंपली लॉगिन कीजिए। आपका जो भी डाउट है या तो उसका फोटो लेके भेजिए, आपको तुरंत सोल्यूशन मिलेगा, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है उसे टाइप कीजिए, अपना टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, अपने टॉपिक एक्सपर्ट से ऑन कॉल अपने डाउट क्लियर कीजिए। माल की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। CBSE बोर्ड क्लास 10th 12th एग्जाम रिजल्ट 2021 अपडेट। केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए इस वर्ष के CBSE बोर्ड 12वीं के एग्जाम रद्द कर दिए हैं और 12वीं की कक्षा में यहां पे रजिस्टर्ड लाखों छात्रों को अब अपने रिजल्ट का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून को अधिकारियों के साथ बैठक के बाद परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया था, मगर बोर्ड की तरफ से 12वीं की एग्जाम की डेट शीट कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, बोर्ड ने पिछले माह की 10 के यानी कि 10वीं के एग्ज़ाम की रद्द कर दिए थे और रिजल्ट के लिए 20 जून की टेंटेटिव डेट जारी कर दी थी, लेकिन हालांकि बाद में बोर्ड ने यह डेट बदल दी और रिजल्ट को अगले निर्णय तक स्थगित कर दिया। मगर 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद 12वीं के छात्रों के लिए रिजल्ट डेट की घोषणा नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि 12वीं की जो परीक्षार्थी हैं, बोर्ड ने अभी तक 12वीं के छात्रों के लिए मार्किंग फॉर्मूला ही तैयार नहीं किया है। और ताज़ा जानकारी के अनुसार CBSE ने 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 12 सदस्य की एक कमेटी का गठन किया है, जिसे रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला तय करना है। यह कमेटी 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट CBSE को सौंपेगी। इसके बाद बोर्ड इस फॉर्मूले को अमल में लाएगा और रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 1 माह से अधिक का समय लग सकता है। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड रिजल्ट जारी करने में जुलाई से अधिक देरी नहीं करेगा। इस बार का शैक्षणिक स्तर पहले ही लेट हो चुका है और हायर स्टडी में एडमिशन के लिए जरूरी 12वीं की मार्कशीट समय पर जारी होनी चाहिए। संभव है कि बोर्ड जुलाई के दूसरे हफ्ते में रिजल्ट जारी करें, जो कि छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे, उसके लिए जुलाई के अंतिम सप्ताह में ही री एग्ज़ाम भी करवाए जा सके। छात्रों